दोस्तों क्या आपका मोबाइल बहुत ज्यादा हैंग करने लग गया है। नया नया जब आपने फोन लिया था तो ठीक चलता था, लेकिन जैसे ही पुराना हो गया बहुत ज्यादा हैंग करने लग गया है और आपने कई ट्रिक लगाकर देख भी लिया है फिर भी हैंग प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रहा है, तो सिर्फ दोस्तों तीन सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर करना है। ये तीन सेटिंग करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपका मोबाइल दोस्तों चाहे किसी भी कंपनी का क्यों ना हो कभी भी हैंग करने का नाम तक नहीं लेगा। इतना फास्ट चलेगा ना आपको लगेगा ही नहीं कि आपका जो मोबाइल है ये पुराना हो गया है, आपको ऐसा लगेगा एकदम नया नया आपका फोन है। समझ लो सिर्फ तीन सेटिंग करना है, हमेशा के लिए पूरी जिंदगी के लिए दोस्तों हैंग प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा, एकदम फास्ट आपका स्मार्टफोन चलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये तीन ट्रिक कौन से हैं तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको उन तीन ट्रिक के बारे में बता देता हूं जिसे अगर आप अपने मोबाइल में अप्लाई करते हैं तो किसी भी कंपनी का आपके पास मोबाइल फोन क्यों ना हो कभी भी हैंग करने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। सबसे पहला जो ट्रिक है उसे अप्लाई करने के लिए आपको अपने फोन का जो मेन सेटिंग है इसे ओपन कर लेना है, ठीक है। मेन सेटिंग के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले मैं जो है ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से सेटिंग दिखे। अब यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ चले आना है। यहाँ पर आपको ऐप्स करके एक सेटिंग देखने को मिलेगा, आपके फ़ोन में हो सकता है मैनेज ऐप हो या फिर ऐप मैनेजर हो, है ना, तो इस नाम से भी हो सकता है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैनेज ऐप, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके फ़ोन के जितने भी एप्लीकेशन होंगे ना इंस्टॉल जो आपने किया है वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहीं पर दोस्तों ध्यान से आप देखेंगे ना एक ऐसी खतरनाक ऐप है जो आपके फ़ोन के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल्ड है लेकिन ना इसका कोई नाम है ना कोई इसका लोगो है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये ऐप दोस्तों आपके फ़ोन के अंदर नहीं दिखता है ना तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले वाले सेटिंग के अंदर, ठीक है, कहाँ गया डिस्प्ले वाला सेटिंग, ये रहा, यहाँ पर आएंगे डार्क मोड में अपने फ़ोन को कर देंगे, ठीक है। जैसे आप डार्क मोड में कर देंगे वापस से आपको सेम जगह पर जाना है, जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस से सेम जगह पर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अब ये क्लियरली आपको देखने को मिल जाएगा, देख रहे हो। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पर आप देख लीजिए ना इसका कोई लोगो है ना इसका कोई नाम है लेकिन ये ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है। और ये जो ऐप है दोस्तों ये एक प्रकार से स्पाई ऐप होते हैं जो आपके फ़ोन में तरह तरह के ऐड दिखाते हैं, फालतू में मोबाइल स्क्रीन पर ऐड आ जाएगा या फिर आपके मोबाइल को हैंग करा देते हैं या फिर हो सकता है आपका कुछ डाटा चोरी वोरी कर ले, है ना। तो ऐसे खतरनाक ऐप अगर आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल है तो इसे तुरंत के तुरंत आपको डिलीट करना है, क्योंकि दोस्तों ये आपके फ़ोन के प्रोसेसर पर इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ना कि आपका फ़ोन एकदम स्लो हो जाता है, हैंग करने लगता है, ठीक है। तो इसे तुरंत के तुरंत आपको यहाँ से जो है अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे आप अनइंस्टॉल कर देंगे वापस से आपको जो है क्रॉस चेक करना है कि कोई दूसरा ऐप तो नहीं है, ठीक है। बिना नाम बिना लोगों का कोई ऐप होगा तो उसे कभी भी अपने फ़ोन के अंदर आपको नहीं रखना है, ठीक है। अगर लाइट मोड में ना दिखे तो डार्क मोड में करके आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। ये पहला ट्रिक हो गया जिससे आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। इसे अप्लाई करने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर जो बार बार ऐड आता है उससे छुटकारा मिल जाएगा और मोबाइल हैंग भी नहीं करेगा, समझ लो। जिसके बाद दोस्तों अब मैं आपको दूसरा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये जो दूसरा ट्रिक है इसे अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद ये जो प्रोफाइल दिया है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको आ जाना है सेटिंग के अंदर। अब सेटिंग के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अबाउट, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे एकदम नीचे आपको देखने को मिलेगा प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन का, आप यहां पर देख सकते हैं। अगर यहां पर दोस्तों लिखा हुआ है डिवाइस इज सर्टिफाइड, अगर ये लिखा हुआ है तो आपको यहां पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन केस अगर यहां पर लिखा होता है डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड तो तुरंत के तुरंत आपको अपने फ़ोन को लेकर दोस्तों जो भी कंपनी का आपके पास मोबाइल फ़ोन है उसके सर्विस सेंटर आपको चले जाना है, ठीक है। वहाँ पर जाकर आपको ये चीज़ दिखाना है कि भाई ये डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड दिखा रहा है गूगल प्ले स्टोर। अगर यहाँ पर डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड दिखाता है तो मतलब ये है कि भाई आपका फ़ोन सही से काम नहीं करेगा, गूगल के जो ऐप है वो सही से आपके फ़ोन में काम नहीं करेंगे, फिर वही आपका फ़ोन हैंग करेगा, है ना। तो उसे आपको फिक्स करवाना है, उनको बोलना है कि भाई यहाँ पर हमें डिवाइस इज सर्टिफाइड करके दो,
तो दोस्तों कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह डालेंगे आपके फ़ोन के अंदर, उसके बाद यहाँ पर डिवाइस सर्टिफाइड हो जाता है, समझे हो। तो ये चीज़ आपको करवा लेना है, ये दूसरे नंबर का ट्रिक हो गया। जिसके बाद दोस्तों अब मैं आपको तीसरे नंबर का और एक प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप अपने मोबाइल में कर लेंगे तो आपके मोबाइल का जो स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा और जो बार बार हैंग होता था ना उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप करेंगे क्या, सेटिंग में आ जाएंगे, वापस से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग। कई कई फ़ोन में सिस्टम सेटिंग होता है, ठीक है, तो इसे आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डेवलपर ऑप्शन, ठीक है, तो इसे आपको यहाँ पर ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर तो बहुत सारे सेटिंग होते हैं, आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। इंपॉर्टेंट सेटिंग क्या करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये दिया हुआ है दोस्तों विंडो एनिमेशन स्केल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसे दोस्तों आपको यहाँ से ऑफ कर देना है। यहाँ पर ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल दिया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसे आपको ऑफ कर देना है। यहाँ पर एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल दिया है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसे भी आप यहाँ से ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये सेटिंग करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये स्टैंडर्ड पर सेट होगा तो इसे दोस्तों आप एटमोस्ट वन प्रोसेस पर सेट कर देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा अगर प्रोसेस होगा तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो फ़ोन है वो हैंग करना शुरू कर देगा, है ना। तो आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वन प्रोसेस पर सेट करना है। और जो स्टार्टिंग में यहाँ पर आपने तीन सेटिंग किया है, इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन के जो मिस परफॉर्मेंस है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर ये तीन सेटिंग करना है, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो टोटल दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर आपको तीन ट्रिक बताए हैं, ये तीनों ट्रिक अगर आप अपने मोबाइल के अंदर ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों मैं बता सकता हूँ कि आपका मोबाइल कभी भी हैंग नहीं करेगा, कभी भी हैंग नहीं करेगा, समझो। तो हमेशा दोस्तों आपका फ़ोन एकदम फास्ट चलेगा, कभी हैंग नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन केस दोस्तों अगर फिर भी आपका मोबाइल थोड़ा बहुत हैंग करता है तो आपको अपने फ़ोन का स्टोरेज चेक करना है, कहीं स्टोरेज फुल हो जाता है तो भी दोस्तों मोबाइल हैंग करना शुरू कर देता है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको स्टोरेज को खाली कर देना है। तो ये ट्रिक अगर आप अप्लाई करते हैं तो भाई हैंग प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।